अजय सबसे पहले तो अजय मेरा बेटा है। हमारी शुरुआत यानी अजय की पहली शुरुआत नहीं, इसकी पहली फिल्म जो थी उसमें हमने साथ काम किया और वो शुरुआत इतनी अच्छी रही कि आज हमारा बच्चा एक बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है, बहुत सारी फिल्में किया, इसको न्यू कमर्स का अवार्ड भी मिला और आज ये 3-3 फिल्मों का मुहूर्त भी कर रहा है। और मेरी शुभकामना है कि आप भविष्य में भी ये 100 पिक्चरों का मुहूर्त करें और हिंदी फिल्म का एक बहुत बड़ा हीरो शब्द, क्योंकि इसमें क्वालिटी है, गुण है, आर्टिस्ट अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, तो जिसमें सारी खूबियाँ होती हैं वो एक ना एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुँचता है। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इतने सीनियर लोगों का, आपका आपको आशीर्वाद मिलता है, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ऊपर वाले का धन्य हूँ कि मीन्स मुझे यह मौका मिल रहा है और ऐसे लोग हमारे ऊपर हाथ है और ये मेरे लिए हर्ष की बात है और इनके ब्लेसिंग और इनकी दुआओं के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छी कोशिश हमेशा होती है मेरी। सर, आखिरी सवाल चलते चलते क्या कहना चाहिए? चलते चलते ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली हमने जो महसूस किया, ये पिक्चर जब बनी थी काफ़ी हिट हुई थी और कई लोग इसको दोबारा देखना चाहे थे, बहुत लोग रिपीट भी देखे, लेकिन रिपीट में वही चीज़ देख देख के हुआ कि इसकी दूसरी वर्सन भी बनाई जाए। इस प्रयास के लिए दूसरी बार हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेटवा बाहुबली 2। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? बेटवा बाहुबली मुहूर्त हुआ है, बड़ा ही पावन पर्व है, राखी बंधन का त्यौहार, एक नहीं दो नहीं तीन मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अजय जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। इससे पहले उन्होंने बेटवा बाहुबली किया था जो सुपरहिट फिल्म थी, उसी का सीक्वल बेटवा बाहुबली 2 में ला रहे हैं, उसके साथ 2 फिल्म और है जो रोमांस और प्यार पर है। मैं यही दुआ करूंगा कि उनकी फिल्म उससे भी आगे 2 कदम जाके भोजपुरी की वो एक अलग दिशा दे, जो कुहर चल रहा है उससे भी आगे जाएँ, साफ सुथरी फिल्म बनाएँ ताकि लोगों को भोजपुरी की असली पहचान हो। थैंक यू सो मच।